हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों जज और मजिस्ट्रेट ये दो शब्द ऐसे हैं जिसे हमने कई बार सुना है कुछ लोग इन्हें एक ही समझते हैं या कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जज और मजिस्ट्रेट कौन होते हैं या इनके क्या काम होते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होते हैं और ये क्या काम करते हैं चलिए शुरू करते हैं इससे पहले हम आपको जज और मजिस्ट्रेट के बीच के अंतर को समझाएं हमारे लिए समझना जरूरी है कि कोर्ट में कितने तरह के केस या कितने तरह के मामले आते हैं सामान्यतः है, भारतीय कानून में दो तरह के मामले आते हैं एक सिविल केस और नंबर दो क्रिमिनल केस अब आपको बताते हैं कि सिविल केस और क्रिमिनल केस किन्हें है कहते हैं सिविल केस जिसे हिंदी में व्यवहार विधि या उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं जहां अधिकारों की बात हो और उसकी मांग हो हरजाना स्त्रीपूर्ति या कंपनसेशन यानी छूट की मांग की जाए तो वो सारे मामले सिविल होते हैं या दीवानी मामले होते हैं अब बात करते हैं क्रिमिनल केस की इसे हिंदी में दांडिक मामला या उर्दू में फौजीदारी मामला कहते हैं जहाँ किसी अपराध के लिए सज़ा की मांग की जाए तो वो क्रिमिनल केस यानी क्रिमिनल मामले होते हैं चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि सिविल केस और क्रिमिनल केस हैं क्या मान लीजिए आपने किसी को अपना मकान किराए पर दिया लेकिन वो शख्स आपके मकान पर कब्जा करके बैठ गया तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से या कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि आपको आपका मकान वापस आइए और साथ ही किराएदार से मकान का किराया भी वसूला जाए यह मामला पूरी तरह से सिविल मामला होगा और इसे दीवानी मामला सिविल मामला या व्यवहार विधि बोलेंगे अब मान लीजिए कि आप किराएदार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और आपने मकान वापस दिलाने के साथ साथ किराएदार के लिए सज़ा की भी मांग की तो यहाँ ये मामला सिविल और क्रिमिनल दोनों पैटर्न का हो जाएगा चलिए अब आपको समझाते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है जो सिविल मामलों की यानी जो दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें जज कहते हैं जबकि जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं और सज़ा देने का काम करते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी कहते हैं अब आपको बता देते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट दोनों ही लोअर कोर्ट में यानी निचली अदालत में बैठते हैं और जैसे ही हम ऊपर की कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं इसका मतलब है वो जो कुछ भी करेंगे वो न्याय होगा लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत में जज और मजिस्ट्रेट दोनों होते हैं और हाई कोर्ट में दोनों ही जज हो जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जस्टिस यानी न्यायमूर्ति कहते हैं क्योंकि उनका होना ही न्याय है वही न्याय के प्रतीक है उम्मीद करता हूं कि आपको जज मजिस्ट्रेट और न्यायमूर्ति के बीच का फर्क समझ में आया होगा आगे आप लोग किन किन चीज़ों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को ज़रूर दबाएँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद